जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल विपक्ष पर भागने का आरोप तक लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता लगातार सरकार को घेर रहे हैं, यहां तक कि सैनी सरकार के इस्तीफे की मांग तक कर डाली है। राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगना चाहिए, ये भी बड़ी डिमांड है। दीपेंद्र हुड्डा की हम बात करें, उन्होंने कहा कि सरकार अल्पमत में है और इस्तीफा दे देना चाहिए। अल्पमत की सरकार है और ऐसे में नैतिकता ये बताती है कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन में चुनाव होना चाहिए, निष्पक्षता लोकसभा का। लेकिन 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 अगर वो नहीं करते तो राज्यपाल महोदय को संज्ञान लेना चाहिए, हम तो मिला ही नहीं। वो तो हमारे उपनेता, कांग्रेस पार्टी के उपनेता और हमारे हमारे डेलीगेशन से मिले ही नहीं राज्यपाल महोदय, और उपराज्यपाल महोदय का ये बयान आ रहा है, उपराज्यपाल उप स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का ये बयान आ रहा है कि 6 महीने तक नहीं ला सकते अविश्वास प्रस्ताव। ये तो एक तकनीकी एक कारण बता रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूं कि तकनीकी कारण बता बताकर सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं संविधान। लेकिन 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 मैं कहना चाहता हूं 4 तारीख के गिनती के बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कितने विधायक किस पाले में है उसके बाद। अभी तो चुनाव का समर है, आखिरी हफ्ता है, तो ये इस तरह की परिस्थितियां करके इसको लटका रहे हैं। मगर ये सही है कि ये प्रदेश सरकार अल्पमत में है। हम मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार इस्तीफा हो।